हेलो फ्रेंड्स, मेरे नए वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे वीडियो के नीचे दिए गए ये साइन सब्सक्राइब को अवश्य क्लिक करें। इसके बाद ये बेल के साइन को क्लिक करें। यहाँ इसको बॉक्स को क्लिक करने के बाद सेव करें ताकि आप नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको मेरे नए वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू। How are you? बस Fine. You are looking I am looking, but it is stated. It is. पिक्चर्स रुकी हुई है आपकी। आप सही। आर यू ओके? ओके सर। ओके। सो स्टार्ट स्पीकिंग। यस सर। I have made some examples of present past perfect continuous tense. मैंने फ्रिज नहीं खोला था। पास्ट परफेक्ट टेंस। मैंने फ्रिज नहीं खोला था। आई हैड नॉट ओपन द रेफ्रिजरेटर। दिस इज रॉन्ग जी। मैंने आपको बताया था कि पास्ट परफेक्ट में दो सेंटेंस होते हैं। पास्ट और पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट। टिल देन बिफोर ऑल्सो होना चाहिए। आई रेफ्रिजरेटर ये होगा। आई आई ओपन द रेफ्रिजरेटर। आई ओपन द रेफ्रिजरेटर। यस। क्या ट्रेन पहले ही जा चुकी थी? हैड द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट। राइट है सर। यस। क्या आप लंदन नहीं गए थे? हैड यू नॉट गोन टू लंदन। सिंगल पास परफेक्ट नहीं होता। तो ये सर, ये कौन से टेंस का सेंटेंस है? ये पास्ट इंडेफिनेट। इसका कैसे बनेगा सर? यू नॉट पास्ट टेंस में। हेड से बनेगा सर या दिस? डिड यू नॉट गो टू लंदन? गो टू लंदन। डिडंट यू गो टू लंदन? धोबी सारे कपड़े धो चुका था।
ये भी सर उसी का है, द वॉशरमैन हैड वॉश्ड ऑल द क्लॉथ्स, पास्ट इंडेफिनिट का ही, बरसात पहले ही हो चुकी थी। इट हैड ऑलरेडी रेन जी। क्या कछुआ नियत स्थान पर खरगोश से पहले पहुंच चुका था? Had the tortoise reached the destination before the rabbit? Rabbit reached before the. अगर इस नहीं लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हो before the rabbit did. Did reached. जी. क्या गाड़ी पहले ही जा चुकी थी? Had the train already left? Yes. क्या तुम्हारे दोस्त लेट नहीं आए थे? Had your friend not come late? बस इतने बनाए थे सर। आप बोल लीजिए सर, दो चार बना लेंगे। Write down some sentences. Okay, sir. मुझे पता चलने पहले जी? मुझे पता चलने से पहले तुम अपनी घड़ी बेच चुके थे। ठीक सर। जी नेक्स्ट सर। मेरे घर पहुंचने से पहले एक घंटे पहले मेरे घर पहुंचने से पहले मेरा मित्र एक घंटे से मेरा इंतजार कर रहा था। डॉक्टर के आने से पहले हमने उसे अस्पताल में भर्ती कर दिया था। जी सर। बारिश होने से पहले हमने मकान की मरम्मत कर ली थी। जी। तब तक वह चार चपाती खा चुका था। तब तक जी। बाजार जाने से पहले तुमने अपना काम खत्म नहीं किया था। जी। उसने पहले भी कई बार अंग्रेजी की कोचिंग ज्वाइन की थी।
बाजार में बहुत भीड़ थी। रेल का डिब्बा खचाखच भरा था। मेरी हिम्मत ट्रेन में चढ़ने की नहीं हुई। मैंने आपको बाहर खड़ा होने को नहीं कहा है। मेहमानों का स्वागत करो। दूध को उबाल कर चाय बनाओ। जी दूध को उबाल कर चाय बनाओ। मेरा एसी चल रहा है। I have given you all combined sentences. How many have you got? कितने हो गए? तेरा हो गए सर। Okay, two more. हमने अपने दांत साफ कर लिए हैं। तो सर प्रेजेंट, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का लग रहा। हाँ तो कंबाइंड है ना सारे। जी क्या तुम रोज सुबह घूमने जाते हो? That's all. Future indefinite. अभी इसका कौन कुछ रह गया सर? अच्छा रह गया क्या? ये तो पास्ट परफेक्ट था ना ये? अच्छा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रह गया। No problem sir, we are going to learn past perfect continuous. Yes sir. Don't worry, be happy. तो रहा था, रही थी, रहे थे with time. Subject plus had plus been plus v4 plus object plus for since plus time. Plus been plus v4. मैं एक घंटे से उसका इंतजार कर रहा था। I had been waiting for him for an hour. Waiting
has been waiting had, him. No, had been. I had been. Waiting him. Waiting for him. I had been waiting for him. For an hour. For an hour. No question. I had been waiting for him for an hour. And two sentences in past can be there, like past indefinite and past perfect continuous, like मेरे घर पहुंचने से पहले वह एक घंटे से टीवी देख रहा था. जी. He had been watching television for an hour before I reached home. जी. Past perfect continuous plus past indefinite. जी. ओके. So this is as simple as present perfect continuous. इसमें और भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा I had been a teacher since 2010 to 2015 in Delhi. I had been a teacher since 2010 to 2015 in Delhi. जैसे हमने कहा था ना. मैं 25 साल से टीचर हूं. आई हैव बीन अ टीचर फॉर 25 इयर्स. जरूरी नहीं है कि आईएनजी हो तभी आप उसको बनाएंगे. बगैर आईएनजी वाला बस टाइम है. जैसे मैं यहां पे 15 मिनट से हूं. मैं यहाँ पे 15 मिनट से हूँ. तो कैसे बोलोगे आप? I have been here since 15 minutes. Since नहीं, for. For 15 minutes. मैं वहाँ पर एक घंटे रहा. I have been there for 1 hour. For an hour. For an hour. Yes. Present indefinite. Present or future? This is future indefinite. Simple recognition ka gi ge. Subject plus will plus V1 plus object. In short, we say I'll. Mm.
आई मतलब आई विल जी यू विल देल शी विल हील शॉर्ट में इस तरह से बोलते हैं आईल मैं वहां जाऊंगा आई विल गो देयर आई विल नहीं बोलूंगा क्या बोलेंगे ये आई विल गो देयर आई गो देयर आई विल गो देयर मतलब मैं वहां जाऊंगा आई विल गो देयर राइट तो ये तो फ्यूचर हुआ लेकिन नेगेटिव में हो जैसे मैं वहां नहीं जाऊंगा जी तो फिर विल नॉट हो जाता हमारा वांट तो मैं वहां नहीं जाऊंगा आई वांट गो देयर I won't go there. Yes, okay. Like he won't go to school today. I want to go to school. You will give me nahi jaunga. I won't go to school tomorrow because it's Sunday. Kyun nahi jaunga? I won't go to school. Tomorrow because or as it is Sunday, it's Sunday. जी लेकिन यही होता मैं कल नहीं गया था क्योंकि संडे था जी स्पीक नहीं गया था I had not. I had not gone to school because yesterday is Sunday. अरे भाई ये तो past में ही है ना? जी. ये तो past में ही है ना मैं नहीं गया था. जी. Past. I did not. So didn't bolo did not ki jage. I didn't go to school. I didn't go to school. I didn't go to school yesterday as it was Sunday. And it was Sunday. So ye past mein chale gaya. Kya? I didn't go to my school yesterday as it was Sunday. Aur future ki baat kar rahe hain to I won't go to school tomorrow as it is Sunday. Right? लेकिन अब इसमें आप देखिए will तो आपने सबके साथ यूज किया I के साथ you के साथ they के साथ he she सबके साथ लेकिन एक और है shall ये हमेशा हम I और V के साथ ही यूज करते हैं जी
तो इसका मतलब क्या होता है? क्वेश्चन में ही होता है जी, शैल आई और शैल बी। तो फ्यूचर में तो आपने विल यूज किया, मैं नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, तुम आओगे, वो गाना गाएगा, ही सिंग अ सॉन्ग, आई विल गो देयर, यू विल गो देयर, आई वोंट गो देयर, इट विल रेन टुमारो, लाइक दिस, आई विल रीच दिल्ली टुमारो। लेकिन शैल आई और वी के साथ ही यूज होता है, और इसका मतलब होता है जैसे आप सपोज यू आर डूइंग समथिंग, सपोज योर वाइफ इज कुकिंग इन किचन एंड यू थिंक दैट शी इज लिटिल टायर्ड, दैट टाइम यू आस्क शैल आई हेल्प यू, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा मैं दो सेंटेंस बोलता हूँ, ठीक है? Shall I help you? May I help you? दोनों में क्या डिफरेंस है? मैं आपकी सहायता करूंगा, करूंगा नहीं, मैं आपकी इसका मतलब है करूं, करूं। मैं आई हेल्प यू, हाँ अब यही तो मैं, आई वॉन्ट टू टेल यू द डिफरेंस व्हेन यू यूज मे और शैल। देखो शैल का मतलब होता है जब आप सामने वाले से कहते हो लाइक शैल आई हेल्प यू, इसका मतलब है आप सामने वाले से कह रहे हो कि क्या मैं तुम्हारी मदद करूं, इसका मतलब अगर तुम चाहो तो। लेकिन मे आई हेल्प यू का मतलब होता है कि क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ पर आपसे परमिशन ले रहा हूँ। इधर मैं ही चाहता हूँ, जो खुद चाहता है वही मैं कहता है, लेकिन शैल का मतलब अगर आप चाहो तो मैं करूँ। क्लियर हुआ? जैसे और शैल का एग्जाम्पल लेते हैं, क्या मैं बाहर आपका इंतजार करूं? Shall I wait के साथ हमेशा फॉर लगाया करिए। Shall I wait for you outside? क्या मैं बाहर आपका इंतजार करूं? अब ये, अब इसको अगर मैं कहता मे आई वेट आउटसाइड, तो मैं किसी से परमिशन ले रहा हूं कि क्या मैं बाहर इंतजार करूं, आप चाहो, मतलब मैं चाहता हूं बाहर इंतजार करना। इसलिए मैं यू, अगर शैल होता शैल ही है, शैल ही वेट आउटसाइड, अगर आप चाहो तो मैं बाहर इंतजार करूं। क्लियर? फ्यूचर टेंस में एक कंडीशनल सेंटेंस भी यूज करेंगे हम, अगर बारिश हुई,
अगर बारिश हुई तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा. कैन यू ट्रांसलेट इट? देखो इसमें ना तो देन लगता है. आप देखो दोनों फ्यूचर में लग रहे हैं ना आपको. अगर बारिश होगी तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा. जी. तो जो पहला सेंटेंस होता है ना इफ वाला, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है, भले ही दोनों फ्यूचर में लग रहे हों. लेकिन इफ वाला जो सेंटेंस है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे. If it rains, पहला पार्ट इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बने है. बाद में भी बना सकते हो इसको, लेकिन इफ वाला ध्यान रखो, इफ के साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है इस केस में. इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो आउटसाइड. या आई वॉन्ट भी कह सकते हो आप, जस्ट शॉर्ट में कहना है आपको. आई वॉन्ट टू गो आउटसाइड. हाँ और कंडीशनल लेते हैं. अगर डॉक्टर आ जाए या अगर डॉक्टर टाइम पे आ जाए तो इस मरीज की जान बच सकती है, ऐसे भी ले सकती हूँ, या बच जाएगी कर लो, क्योंकि अपन को फ्यूचर में करना है. क्या बोला मैंने सेंटेंस? अगर क्या बोला था मैंने? अगर डॉक्टर टाइम पे आ जाए तो इस मरीज की जान बच जाएगी. हाँ, इफ द डॉक्टर कम्स और अराइव्स एट टाइम, क्योंकि आपने देखा मैंने बताया था अराइव अराइव, और आपको उसका मतलब बताया था मैंने कम का. वो
नहीं बताया था सर। चलो तो ये बता देते हैं, तब तो आपको समझ में आया। तो अराइव कहाँ यूज करते हो, कम कहाँ यूज करते हैं? दोनों का मतलब है आना, और अराइव का मतलब भी है आना। तो फिर अंतर क्या है, अब समझो बात। अराइव मतलब था जब आना निश्चित होता है किसी का, हमको पता होता है कि वो आने वाला है या आएगा। जैसे आपको किसी के बारे में कहना है, मेरे पिताजी शाम तक घर आ जाएंगे, क्या हो जाएगा? मैंने बताया ना, अराइव जहां पे आना निश्चित है, इसीलिए आपने स्टेशन पे सुना होगा अराइवल टाइम ऑफ अराइवल। हाँ, कमिंग टाइम क्यों नहीं लिखते? तो क्या लिखा आपने? आना निश्चित होता है अराइव के लिए। हाँ, और जहाँ निश्चित नहीं होता है वहां पे कम लगाते हैं, इसीलिए कहा जाता है पंजाब मेल हैज अराइव्ड एट प्लेटफॉर्म नंबर 4। कम नहीं बोला जाता कि पंजाब मेल हैज कम। ठीक है, निश्चित नहीं है। तो जैसे अगर आपके घर पे आपका कोई अचानक दोस्त आ गया मिलने, तो आपकी बच्ची दौड़ के आएगी, बोलेगी पापा पापा somebody has come to see you। लेकिन अगर आपके दोस्त ने कहा कि मैं आज 6 बजे आपके घर आऊंगा, तो अब टाइम निश्चित है, तो अराइव आएगा यहाँ पे। कैसे? उसने कहा मैं आपके घर 5 बजे आ जाऊंगा, और वो आ गया 5:15 पे, तो आपकी बच्ची या आपकी वाइफ बोलेगी He has arrived. Your friend has arrived. ठीक है, तो इसीलिए डॉक्टर का आना निश्चित था, इसीलिए हमने उस सेंटेंस में क्या कहा कि अगर डॉक्टर टाइम पे आ जाएगा, तो उसकी जान बच जाएगी। बच जाने का क्या बोलेंगे, रेस्क्यू सर? नहीं, रेस्क्यू तो मुसीबत से बचना होता है, सेव। तो क्या हो गया, इफ द डॉक्टर अराइव, क्योंकि आना निश्चित है तो अराइव करेंगे। इफ द डॉक्टर अराइव्स एट टाइम, देन द लाइफ ऑफ पेशेंट इज सेव। हाँ, या ऐसे भी कह सकते हो, तो बच जाएगी, तो हिज लाइफ विल बी से आपको एक्चुअली इसमें बनाना पड़ेगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा इसका यूज। विल बी सेव्ड हो जाएगा, वैसे पैसे हुआ चलो, पर अभी ऐसे ही बन। अराइव और कम का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। ये वैसे ये जो भी सेंटेंस है सर, ये एक स्टेल्स का है, फ्यूचर। कौन सा? सेकंड पार्ट, तो मरीज की जान बच जाएगी। वो फ्यूचर में ही बनेगा, लेकिन अब दोनों फ्यूचर में है और कंडीशनल है, तो पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, दूसरा फ्यूचर में बनेगा।
क्योंकि सेव्ड सर सेव्ड में सेकंड फॉर्म यूज हो रही है इसीलिए तो मैं उसको नहीं बता रहा क्यों पैसिव में बनेगा वो इसलिए हो रहा है। अच्छा ठीक है कंडीशनल जी जी कंडीशनल अभी अगर अपन आगे पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगा मैं कंडीशनल मॉडल मॉडल्स में आएंगे वो जी। तो ये हो गया आपका लेकिन अगर अभी इसमें अगर ना आए दो सेंटेंस हो फ्यूचर में जैसे तुम आओगे और मैं खाऊंगा अब इसमें कंडीशन नहीं है हम सिंपल बोल रहे हैं अगर तुम वेलकम आएगी हाँ तो दोनों फ्यूचर में बनेंगे क्लियर ठीक है यू विल कम एंड आई विल ईट लेकिन अगर कंडीशन हो अगर तुम आ जाओगे तो मैं खाऊंगा इफ यू कम सिंपल बनेगा प्रेजेंट इफ यू कम आई विल ईट भी नहीं I will eat. तुम आओगे? If you come, I will eat. Clear? Yes, sir. तो फ्यूचर में तो ये इतना होता है चलिए अब नाउ लेट्स स्पीक समथिंग आस्क मी एनीथिंग एनी क्वेश्चन आई विल आंसर How can we write a perfect writing, sir? How can we write English? How can we write English? Mm. Impressive English. Yes, sir. जैसे कोई एप्लीकेशन लिखनी है कोई लेटर लिखना है देखो प्रैक्टिस से ही आएगा आप लिखोगे गलती करोगे तब हम उसको सही करेंगे तो इसीलिए तो मैं जो टॉपिक देता हूँ ना उनको आपको लिखना चाहिए पॉइंट वाइज टॉपिक दिए नहीं था सर आपने नहीं दिया नहीं दिया आपने किसी दूसरे स्टूडेंट को दिया था चलो कोई बात नहीं आज जी चलो आज एक टॉपिक आज दे दीजिए हाँ टॉपिक आज आपको देते हैं ये टॉपिक किया था कि हमने कि आई डोंट गो टू स्टेडियम टू वॉच अ क्रिकेट मैच नहीं नहीं सर नहीं किया नहीं चलिए तो यही कर लेते हैं लिसन टू मी केयरफुली आई नेवर गो टू स्टेडियम टू वॉच अ क्रिकेट मैच व्हाई आई डोंट गो टू स्टेडियम टू वॉच अ क्रिकेट मैच आई टेल यू If I go to stadium to watch a cricket match, usually match starts at 9 o'clock.
आ रहा है समझ में आपको? यस सर। इफ आई गो टू स्टेडियम टू वॉच अ क्रिकेट मैच एंड मैच स्टार्ट्स एट 9 o'clock, इट मीन्स आई गेट अप एट 5 o'clock or 6 o'clock and I get ready within an hour and I leave my home and I go to stadium. When I reach there, I see there are long queues to enter the stadium. I stand in a queue to enter the stadium. It takes a lot of time because it is crowded very much. When I go inside, I find my seat to sit down. Actually, I am not allowed to take any water packets, food packets with me inside the stadium. So I find my seat and I sit down there, but when I reach there at my seat, I miss the first half an hour of match because I get into the stadium half an hour late because of crowd. आधा घंटा देरी से पहुंच पाया एंड आई सिट डाउन देयर एंड आई स्टार्ट वॉचिंग क्रिकेट मैच बट एज इट इज क्राउडेड वेरी मच पीपल आर शाउटिंग पीपल आर मूविंग हेयर एंड देयर आई एम अनेबल टू वॉच क्रिकेट मैच मी क्रिकेट मैच इज नॉट वेरी मच विजिबल देयर यू कैन से But it's very hot there, so I feel thirsty after some time. But as I am not allowed to take water packets with me or water bottle with me, so I go to water stall to get some water pouch. But again, it's a very long queue there to get the water. I get the water bottle and I come back to my seat and I see my seat is occupied by someone else. Then I search for another seat. I sit down there, but actually I feel very tired, hungry and thirsty. Because it's very hot and I have no food, I have no water with me. So I am very tired. And when the match gets over, I come back my home and I feel tired for next 2-3 days. That's why I decided not to go to stadium to see a cricket match. If I watch that same cricket match in my home on television, I feel very comfortable because there is no scorching sun. I can drink if I feel thirsty. I can eat food when I feel hungry. And I sit under the fan or cooler or AC. So it is very comfortable for me to watch that cricket match in my home, not in the stadium. So this is the topic for you to write and to speak. यही topic आपको करना है, ठीक है? तो ये करिए topic और sentences बनाइएगा. Okay, sir. You'll have your class on Saturday? Sir, मैं आपको inform कर दूंगा
अगर दिल्ली में आऊंगा तो फिर क्लास होगा, नहीं तो फिर जब भी मैं रिटर्न बैक होगा मतलब कम मैं हाँ कम भी करूँगा। हाँ ठीक है आप ऐसा कर सकते हैं।